आपका स्वागत है नियोजित टीचर न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की नई चाल के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में 31 जुलाई को समान काम व समान वेतन के मामले की सुनवाई होनी है। इस सुनवाई में सरकार के वकील एक बार फिर कोर्ट को बताएंगे कि सरकार पुराने शिक्षकों के बराबर राज्य के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को अधिक वेतन नहीं दे सकती है। इसके साथ ही केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार ये भी कोर्ट को बताएंगे कि पिछले 11 साल में शिक्षकों के वेतन में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2006 से 7 में 4000 से 6000 रुपये में प्राथमिक से हाई स्कूल में शिक्षकों का नियोजन किया गया था। आज यह वेतन बढ़कर 25 से 30000 रुपए हो गए हैं। वहीं सरकार इस बात को भी दोहराएगी कि शिक्षकों की अस्थायी नौकरी कर उम्र 60 वर्ष कर दिया गया है। तो इस प्रकार 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सरकार बताएगी कि पिछले 11 साल में नियोजित शिक्षकों के वेतन में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है। संभवतः ये कोशिश राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की अगली तारीख लेने के लिए हो। आपको बता दें कि 12 जुलाई को पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने कोर्ट से साफ कह दिया है कि नियोजित शिक्षकों के वेतन बढ़ाने में केंद्र सरकार आर्थिक सहयोग नहीं कर सकती है। ऐसा करने से मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित अन्य राज्य के शिक्षकों की ओर से मांग उठने लगेगी। केंद्र सरकार के रुख से अब 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी ताज़ा खबरें प्रतिदिन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।